बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज मैं मौजूद हूँ इम्तियाज़ सुपर स्टोर में, जहाँ आ गई है सर्दियों की ज़बरदस्त वैरायटी। कॉफ़ी से लेकर गीज़र तक यहाँ पर आपको हर चीज़ अवेलेबल होगी। इम्तियाज़ सुपर स्टोर वो वाहिद सुपर स्टोर है जहाँ पर आपको होल सेल से भी कम प्राइस में यहाँ पर चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मैं मौजूद हूँ कॉफ़ी के सेक्शन में। यहाँ पर आपको हर तरह की कॉफ़ी अवेलेबल है, लोकल से लेकर इंपोर्टेड तक आपको हर तरह के ब्रांड्स मिलेंगे। काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है, पूरी कवर करना तो मुश्किल है। सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में ब्रांड चलता है नेस्कैफे, मैं आपको उसके प्राइस बता देती हूँ। छोटी बोटल 499 की थी। यहाँ पर गुड़ और ब्राउन शुगर वगैरह भी यहाँ पर अवेलेबल थी। 85 रुपीज़ का हाफ केजी था यहाँ पर, क्योंकि सर्दियों में गुड़ वगैरह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर गुड़ और ब्राउन शुगर वगैरह भी अवेलेबल थी। सर्दियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है गुड़ और शुगर वगैरह। तो ब्राउन शुगर के प्राइस जो है वो 85 रुपीस का हाफ केजी का पैकेट था। इसके अलावा इम्तियाज़ का अपने ब्रांड पूनम ब्रांड जो है वो, उनकी भी शुगर अवेलेबल थी। 85 रुपीस का हाफ केजी का पैकेट था इनका। इसके अलावा यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स का भी बहुत बड़ा सेक्शन था। यहाँ पे लोकल से लेकर इम्पोर्टेड तक हर तरह के ड्राई फ्रूट्स यहाँ अवेलेबल थे। अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये इम्पोर्टेड ड्राई फ्रूट्स हैं और ये मसाला कोटेड ड्राई फ्रूट्स हैं, और इनका जो एक पैकेट जो है वो 800 रुपए का था। देखने में ही बहुत मज़ेदार लग रहा था। ये ड्राई फ्रूट्स की यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी रखी हुई थी। इसके अलावा यहाँ पे पीनट्स और चिकी वगैरह जो होती है वो भी यहाँ पे अवेलेबल थी, आलमंड की, ड्राई फ्रूट्स की और तिल की। बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना वैरायटी रखी हुई थी, ये आप देख रहे हैं, काफ़ी अच्छी वैरायटी रखी हुई थी यहाँ पे। अब बहुत ज़्यादा फ्रेश लग रही थी देखने में। एक पीनट की चिकी जो है वो 75 रुपीज़ की थी। एक पैकेट जो मैं आपको ये छोटा दिखा रही हूँ ये रखा हुआ, ये 75 रुपीज़ का एक था। और काफ़ी ह्यूज वैरायटी रखी हुई थी, हर तरह के फ्लेवर यहाँ पे अवेलेबल थे। इसके अलावा यहाँ पे तिल के लड्डू और तिल की चिकी वगैरह भी अवेलेबल थे। और एक पैकेट जो है मैं दिखा रही हूँ आपको, ये 100 का था। और ये जो मेरे हाथ में है ड्राई फ्रूट की, आलमंड वगैरह और पीनट्स और सारे ड्राई फ्रूट्स थे इसके अंदर, ये चिकी जो है 100 रुपीज़ की थी। काफ़ी मज़ेदार लग रही थी देखने में। इसके अलावा यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स के भी छोटे छोटे पैकेट बने हुए थे। 100 ग्राम के, 200 ग्राम के पैकिंग अवेलेबल थी। काजू का 100 ग्राम का पैकेट जो है 379 का था। बादाम का 100 ग्राम का पैकेट जो है वो 120 रुपीज़ का था। इसके अलावा यहाँ पर आपको सारे ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल थे। और सर्दियों में सूप वगैरह का भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, तो जो सॉसेज डाली जाती हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल थी। सारी वैरायटी रखी हुई थी यहाँ पर सूप में डालने वाली चीज़ों की, सिरका, चिली सॉस, सोया सॉस, हॉट सॉस, सब कुछ यहाँ अवेलेबल था। ग्रीन सॉस वगैरह सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल था। काफ़ी ज़्यादा वैरायटी रखी हुई थी, बहुत ज़्यादा ब्रांड्स रखे हुए थे लोकल से लेकर इंपोर्टेड तक। आपको यहाँ पर हर तरह के ब्रांड्स अवेलेबल थे। इसके अलावा यहाँ पर ऑफर्स भी लगी हुई थी, बाय वन गेट वन की भी ऑफर्स लगी हुई थी यहाँ पर। ये जो सारे ब्रांड्स रखे हुए हैं ये सारे इंपोर्टेड ब्रांड्स हैं। 449 की, 450 रुपये की एक बॉटल थी। और आपको यहाँ पे हर तरह की सॉसेज अवेलेबल हैं, चाहे कोई से भी सॉस हो जो आपको कहीं नहीं मिलती वो आपको इम्तियाज़ में लाजमी मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा वैरायटी रखी हुई है यहाँ पे हॉट सॉसेज की, हर तरह की सॉस यहाँ पे अवेलेबल है। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और लाजमी बेल का आइकन प्रेस कर दिया करें ताकि आपको ऐसी बचत से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले मिल सकें। और लाइक करना ना भूलिएगा, आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर गीज़र्स भी अवेलेबल थे। गीज़र की भी यहाँ पे न्यू वैरायटी रखी हुई थी। इस तरह के गीज़र शायद आपने पहले ना देखे हों, मैंने भी फर्स्ट टाइम ही देखे हैं। और गीज़र के प्राइस जो हैं वो 10,000 से स्टार्ट थे। यहाँ पर गैस वाले और इलेक्ट्रिक वाले सारे गीज़र रखे हुए थे यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पे ब्लैंकेट्स वगैरह भी अवेलेबल थे, और काफ़ी अच्छे क्वालिटी के ब्लैंकेट्स थे ये। और इनकी प्राइस जो है वो 3,000 से स्टार्ट थी ब्लैंकेट की प्राइस। और कम्फर्ट्स भी अवेलेबल थे यहाँ पर। किसी भी और चीज़ के प्राइस वगैरह जानने हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ज़िंदगी रहे तो इंशाल्लाह ताला फिर किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।